हम हमेशा से मानते आ रहे हैं कि समय रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसमें होता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है। हम प्रेजेंट में रहते हुए अपनी पास्ट की चीज़ों को नहीं बदल सकते और ना ही फ्यूचर में क्या होने वाला है ये देख सकते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि यदि ये समय रेखा सीधी ना होकर एक लूप में होती, यानी गोल होती, तो क्या होता? यानी एक समय ऐसा आएगा कि हम उसी समय में दोबारा से पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी, जिसमें हम चाहे तो पास्ट में जाकर वहां की चीज़ों को बदल सकते हैं, यानी एक कभी ना ख़त्म होने वाला लूप। और कुछ ऐसा ही हमें इस डार्क वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। डार्क एक जर्मन भाषा की नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज है जो कि टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट रियलिटी पर आधारित अभी तक की बेहतरीन शो है। इस कहानी में तीन टाइमलाइंस को दिखाया गया है जो कि है 1953, 1986 एंड 2019, यानी तीनों टाइमलाइन के बीच 33 ईयर्स का गैप है। कहानी विंडन नामक एक शहर में शुरू होता है जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें शहर के ज्यादातर लोग काम करते हैं। उस प्लांट के पास केव्स यानी गुफाओं का एक जाल है जिसके अंदर छुपा होता है वार्म होल। अब ये वार्म होल क्या है, अगर मैंने इसे अभी बता दिया तो इस कहानी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे समय आने पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी में तीन टाइमलाइंस होते हैं, पर पहले शुरुआत 2019 के टाइमलाइन से होती है जो कि 1986 और 1953 तक जाती है। इस शहर में बच्चे अचानक से गायब होने लगे थे जिसका असर कई परिवारों और टाइमलाइन पर पड़ता है। वैसे तो इस सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, पर मैं इसे वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताता चलूंगा ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस सीरीज को देखने वाले लगभग इसके कैरेक्टर्स को लेकर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं और आगे की कहानी में टाइमलाइन और उसके टाइम ट्रेवल को समझना तो और ही मुश्किल हो जाता है। वैसे ये कहानी कुल चार परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, पर मेन भूमिका में है जोनस कहनवाल्ड। ये तो थी बेसिक सी बातें जो हमें आगे की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी था, पर अब चलते हैं कहानी की शुरुआत की तरफ। कहानी की शुरुआत 2019 के टाइमलाइन से होती है जहां पर माइकल कहनवाल्ड अपने आप को रस्सी में लटकाकर सुसाइड करता है और अपने पीछे एक सुसाइड लेटर छोड़कर जाता है। उस लेटर पर साफ साफ शब्दों में लिखा था कि इसे 4 नवंबर की रात 10:13 के पहले नहीं खोलना। तभी अचानक जोनस की नींदें खुलती है और उसे हर बार अपने पिता के बारे में कई बुरे सपने आ रहे थे जिसके लिए पिछले कुछ महीने से उसका थेरेपी चल रहा था। दरअसल जोनस माइकल का ही बेटा होता है और इसकी माँ का नाम हैना होता है जो कि एक शादीशुदा पुलिस ऑफिसर उलरिच के साथ ऊपर कमरे में फिजिकली इंटीमेट हो रही थी और इनका ये अफेयर पिछले कुछ सालों से चल रहा था। तभी उलरिच हैना को स्कूल में होने वाले मीटिंग में आने के लिए कहता है। हैना थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि वहां पर उसकी बीवी कैथरीन जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी वो मीटिंग कंडक्ट करवाने वाली थी। उलरिच फिर भी उसे आने के लिए फोर्स करता है। दूसरे सीन में हम दोबारा जोनस को देखते हैं जो कि अपने साइकिल से कहीं जा रहा होता है और उसके रास्ते में हम वही न्यूक्लियर प्लांट को देखते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तभी उसके जरिए हमें ये पता चलता है कि एरिक नामक एक टीनेज लड़का अचानक शहर से लापता हो गया था। थोड़ी देर बाद जोनस अपने थेरेपिस्ट से मिलता है और उसे कहता है कि अभी भी उसे रात को उसके पिता के सपने आते हैं। उसको लगता था कि उसके पिता उससे कुछ कहना चाहते थे और यही बात उसे बार बार परेशान कर रही थी। ये बोल के जोनस वहाँ से चला जाता है। दरअसल जोनस को अपने पिता माइकल की चिट्ठी के बारे में पता नहीं था। इनेस माइकल की माँ और जोनस की दादी थी और उसी ने इस लेटर को पिछले 4-5 महीने से छुपा कर रखा था और आज ही रात को माइकल ने उसे खोलने के लिए कहा था, इसलिए वो रात का इंतजार कर रही थी। दूसरे सिन में हमारी मुलाकात उसी पुलिस ऑफिसर उलरिच के परिवार से होता है जिसमें उसकी पत्नी कैथरीन, बच्चे मैग्नस मार्था और सबसे छोटे बेटे का नाम मिकेल होता है जो बड़ा होकर जादूगर बनना चाहता था। जब उलरिच पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है तो वो एरिक के माता पिता को देखता है जो कि अपने बेटे एरिक के केस पर पूछताछ करने के लिए आए थे। उन्हें एक ऑफिसर बताती है कि हम सभी लोग एरिक के केस पर काम कर रहे हैं पर अभी तक कोई ठोस हाथ नहीं लगा है। दरअसल उलरिच और बाकी सभी पुलिस टीम एरिक के केस से काफी हैरान थे, उनके पास कोई भी लीड नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एरिक हवा में गायब हो गया हो, पर उलरिच को लगता है कि शायद एरिक घर से भाग गया हो क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया था। फिर वो ऑफिसर उलरिच को याद दिलाती है
कि विंडेन शहर में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जैसे कि उलरिच का 10 साल का भाई मेट्स भी 1986 में ऐसे ही अचानक गायब हो गया था, यानी कि आज से ठीक 33 साल पहले, जिस पर उलरिच उसे कहता है कि दोनों हादसों में काफी फर्क है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। जोनस अपने 2 महीने की थेरेपी पूरा करने के बाद वापिस अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने दोस्त बार्तोस से होता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मार्था अब उसके दोस्त से प्यार करती है। जोनस को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब वो गया था तब तक वो और मार्था एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो बार्तोस से प्यार करने लग गई। थोड़ी देर बाद क्लास के दौरान बार्तोस अपने दोस्त जोनस को बताता है कि एरिक एक ड्रग डीलर था जो कि विंडन केप के पास काम करता था, इसलिए हो सकता है कि किसी ने उसे ड्रग डील के कारण मार दिया हो। फिर वो कहता है कि एरिक ड्रग को उसी केब में छुपाया करता था, इसलिए वो ड्रग अभी भी वहाँ हो सकते हैं, और यदि वे लोग उस ड्रग को ढूंढ लेंगे तो वो खुद भी ड्रग को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। फिर जोनस और बार्तोस के सभी दोस्त उस ड्रग को केब के पास से ढूंढने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ उलरिच नियंसन अपनी माँ जेना नियंसन से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ वो उलरिच के पिता टोरेंटो नियंसन के साथ रहती थी। वो कहती है कि आज मैंने जंगल में फिर से उसी बड़ी काली सी चीज को देखा जिसका सर बहुत बड़ा था। फिर वो उलरिच को एक कैंडी का रैपर देते हुए कहती है कि ये उसे वही जंगल में मिला जो कि उसके गुम हुए भाई मेट्स की फेवरेट थी। फिर उलरिच की माँ उसे एरिक के बारे में कहती है कि ये लड़का भी तुम्हारे भाई की तरह अचानक से लापता हो गया है, यानी सभी चीजें रिपीट हो रही है जैसे कि 33 साल पहले हुआ था। पर उलरिच को ये सब सुनकर लगता है कि उसकी माँ बुढ़ापे के कारण पागल हो गई है। रात में हैना स्कूल मीटिंग अटेंड करने जाती है। दरअसल ये मीटिंग एरिक के गायब होने को लेकर की जा रही थी, जिसमें टाउन के सभी पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले हैना की मुलाकात कैथरीन से होती है। फिर वो हैना से उसका हाल पूछती है, जिस पर हैना उसे एक फॉर्मल सा जवाब देती है। कैथरीन को अपने पति और हैना के अफेयर के बारे में पता नहीं था, वो अब भी हैना को एक अच्छी दोस्त मानती थी। उसी वक्त दूसरी तरफ प्लान के अनुसार जोनस और उसके सभी साथी जंगल में पहुंचते हैं। निकिल की देखभाल के लिए उसके घर पर कोई नहीं होता, इसलिए मैग्नस उसे भी साथ ले आता है। फिर सभी लोग उस केव की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मिकेल सभी लोगों से एरिक के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसने अपने क्लासमेट से सुना है कि किसी ने एरिक को किडनैप कर लिया है और उसे किसी बेसमेंट में बंद करके रखा है। इस पर उसका बड़ा भाई मैग्नस कहता है कि उसे ऐसे झूठे अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर में सभी लोग केव के पास पहुंच जाते हैं। फिर बार्तोस केव के पास पहुंचकर ड्रग को ढूंढने लग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे ड्रग नहीं मिलता है। तभी केव के अंदर से फ्रेंजिस्क बाहर आती है और कहती है कि ड्रग उसके पास है और वो अब उसका हो चुका है। पर बार्तोस उसे धक्का देकर जबरदस्ती उसके हाथ से ड्रग को छीन लेता है, क्योंकि उसने मान लिया था कि ड्रग पर सिर्फ उसका हक है। और तभी अचानक केव के अंदर से एक अजीब सी तेज आवाज आती है और उनका टॉर्च काम करना बंद कर देता है। ये देखकर सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। निकिल जोनस का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है, पर तभी जोनस एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका हाथ निकिल से छूट जाता है। जब वो उठकर टॉर्च से अपने आसपास देखता है तो पाता है कि निकिल वहां पर नहीं है। जोनस उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक उसकी नजर अंधेरे में अपने पिता पर पड़ता है, जो कि खून से बिल्कुल लथपथ होते हैं। ये देखकर जोनस डरकर वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि शायद मिकेल उसके दोस्तों के साथ आगे चला गया हो, पर जब वो उनसे मिलता है तो उसे पता चलता है कि मिकेल लापता हो गया है। फिर ये सारे लोग मिकेल को ढूंढने दोबारा उसी केव के पास जाते हैं। दूसरी तरफ जोनस की दादी आइनेस 10:14 होने पर माइकल के सुसाइड लेटर को निकालकर पढ़ती है और उसे पूरा पढ़ने के बाद वो दंग रह जाती है और रोने लगती है। इधर एरिक को लेकर स्कूल में मीटिंग चल रही होती है, जहां पर उस टाउन के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें उलरिच के साथ एरिक के केस पर काम कर रही वो ऑफिसर भी होती है, जिसका नाम चार्लोट डॉपलर होता है। तभी उस मीटिंग में एक पागल सा बूढ़ा आता है जिसका नाम हेगल डॉपलर है, जो कि चार्लोट का ससुर है। वो लोगों के बीच आकर एक बात को बार बार दोहराता है, आज फिर से होगा, आज फिर से होगा। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। फिर चार्लोट अपने ससुर पिता को लेकर वहां से चली जाती है। उसी वक्त सारे पेरेंट्स को निकेल के लापता होने की खबर मिलती है। फिर सभी पेरेंट्स पुलिस को लेकर वहां पहुंचते हैं। उल्रिक अपने बेटे को ढूंढने वापस केव की ओर जाता है, पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता। सारे लोग रात भर ढूंढते हैं, पर किसी को भी निकेल वहां नहीं मिलता। अगली सुबह भी मिकेल की छानबीन चल रही थी।
बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केव के थोड़ी दूर पर एक बच्चे की बॉडी मिलती है जिसके पूरे बॉडी पर मिट्टी लगी थी। उल्रिच को लगता है कि ये बॉडी उसके बेटे मिकेल की है, पर बारीकी से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो बच्चा मिकेल नहीं है बल्कि कोई और है जिसकी आंखें बुरी तरह से जली हुई थी और उसने पुराने जमाने वाले कपड़े पहने हुए थे। पुलिस को उसके पास से एक टेप भी मिलता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि एरिक अभी भी जिंदा होता है जो कि एक चेयर पे बंधा हुआ था। उसके साथ उस कमरे में एक दूसरा इंसान भी होता है जो दरअसल उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर वो एरिक की आंखों पर एक अजीब सी मशीन को लगाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा जिसका वीडियो इस चैनल पर जल्द ही आने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।